नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर मनी यूट्यूब चैनल पर। मैं बात करने जा रहा हूं कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने आज के दिन अपना क्वार्टर वन का दोस्तों प्रोडक्शन का डेटा एक्सचेंज को सबमिट करता हुआ नजर आ रहा है। देखा जाए तो एक जबरदस्त और बम्फर प्रोडक्शन कंपनी करते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। लॉकडाउन होते हुए फिर भी सबके ऊपर डिटेल में नजर डालेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल पैरामीटर को भी देखेंगे दोस्तों। अब बिल्कुल बने रहिए वीडियो के अंत तक। आज के दिन देखिए कंपनी जुलाई 7, 2021 एक्सचेंज को ये जो है नोट यहाँ पर सबमिट करके बताया है दोस्तों। नीचे स्क्रोल डाउन करके देखेंगे, ये JSPL प्रोडक्शन जम्प्स 20% ईयर ऑन ईयर ऑन Q1 FY 22 डिस्पाइट लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पर देखिए लॉकडाउन होते हुए फिर भी कंपनी दोस्तों 20% का जबरदस्त यहाँ पर जंप अपने प्रोडक्शन में दिखाते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये देखिए सेल प्रोडक्शन स्टील प्रोडक्शन वॉच ऑफ 20% Q1 FY 22 2.01 मिलियन टन्स। सेल्स ऑफ 1.61 मिलियन टन्स वेयर ऑफ 3% ईयर ऑफ। सेल्स में भी देखिए 3% की आपको ग्रोथ नजर आएगा। एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर 34% ऑफ टोटल सेल्स वॉल्यूम। टोटल जितना सेल्स हुआ है इसमें से 34% कंपनी बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसकी अगर समरी को देखेंगे यहां पर देखिए क्वार्टर वन का प्रोडक्शन जो Q1 FY 22 का प्रोडक्शन 2.1 मिलियन टन है और ये था दोस्तों Q1 FY 21 का 1.67 मिलियन टन पर एनम। सेल्स की अगर बात करेंगे ये देखिए 1.61 है और ये था दोस्तों 1.56। 20% की जंप प्रोडक्शन में है, 3% की जंप आपको सेल्स में नजर आएगा। और एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे ये Q1 FY 21 में 58% था दोस्तों। और यहाँ पर देखिए लॉकडाउन जब सारा देश में वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था इसमें भी कंपनी 34% की आपको एक्सपोर्ट्स करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त यहां पर ग्रोथ कंपनी दिखा रहा है। जब ये क्वार्टर वन का FY 20 का 22 का क्वार्टर वन का रिजल्ट इसका आएगा दोस्तों, इसमें ज़बरदस्त आपको क्वार्टर वन का रिजल्ट नज़र आएगा। बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की और कुछ पैरामीटर को यहाँ पर देखेंगे, देखिए दोस्तों कंपनी का की कस्टमर्स पहले देख लेते हैं। देखिए जबरदस्त कंपनियां हैं इनके कस्टमर्स, NPCIL, कोकण रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, BHEL, रिलायंस, लेनको, इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना स्टील्स और जो है पावर कंपनी बेचते हुए नजर आ रहा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, GL ग्रुप, NHAI, देखिए यहाँ पर वेदांत ग्रुप लिमिटेड, JP, और यहाँ पर देखिए जबरदस्त यहाँ पर कंपनी के कस्टमर्स आपको नजर आएंगे। कंपनी की अगर हम दूसरा कुछ पैरामीटर को देखेंगे, बिजनेस सेगमेंट को देखेंगे, कंपनी स्टील का बिजनेस करता है दोस्तों, स्टील प्रोडक्शन करता हुआ नजर आता है, पावर जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ग्लोबल वेंचर्स में भी कंपनी काम करता हुआ नजर आता है। जनरली तीन सेगमेंट में कंपनी काम करता हुआ आपको दिखेगा। कंपनी की अगर हम स्टील की बात करेंगे ये देखिए 8.6 मिलियन टन पर एनम स्टील्स प्रोड्यूस करता है कंपनी, 3.11 मिलियन टन पर एनम आयरन ओर, 9 मिलियन टन पर एनम पैलेट प्लांट कंपनी यहां पर प्रोड्यूस करते हुए नजर आता है। पावर सेक्टर की अगर बात करेंगे IPP में से दोस्तों 3400 मेगावाट का पावर जनरेट करता है। CPP की अगर बात करेंगे ये 1634 मेगावाट का पावर कंपनी जनरेट करता हुआ नजर आता है। कोल, आयरन ओर और माइंस में भी कंपनी काम करता हुआ नजर आता है। काफ़ी ज़बरदस्त और डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट कंपनी का यहाँ पर होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की मार्केट शेयर को देखेंगे यहाँ पर ओमान की मार्केट शेयर कितना है, देखिए स्टील प्रोडक्शन सेगमेंट में ये 40% का मार्केट शेयर ओमान में ये एक्वायर करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू की, आयरन एंड स्टील से कंपनी 80% का रेवेन्यू आता है, पावर सेक्टर से 17% की रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है और 3% की रेवेन्यू अदर चीज़ों से यहाँ पर कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नजर आता है। अगर हम
इसको अगर ग्लोबली देखेंगे, इंडिया में से 90% की रेवेन्यू आता है और एक्सपोर्ट्स करते हुए 10% का रेवेन्यू जो है बाहरी देशों से कंपनी यहाँ पर लाता हुआ नज़र आता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की फाइनेंशियल पैरामीटर के ऊपर नज़र डालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मनी कंट्रोल वेबसाइट में चलेंगे दोस्तों और इसके फाइनेंशियल पैरामीटर को यहाँ पर चेक करेंगे। कंपनी के अगर हम रेवेन्यू ईयर वाइज देखेंगे, ये 2017 में कितना था रेवेन्यू, 21,050 करोड़ का। ये देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। 2020 में थोड़ा सा डीप आ गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2021 में 38,988 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, यहाँ पर देखिए 2021 में 4,267 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है और ये 2020 में ये नेट प्रॉफिट था दोस्तों 399 करोड़ का। देखा जाए तो ज़बरदस्त यहाँ पर कंपनी नंबर नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे, प्रोमोटर के पास 60.47% की होल्डिंग है, इसमें से 41.65% की यहाँ पर होल्डिंग प्लेज होता हुआ दिखेगा दोस्तों। और ये प्लेज शेयर देखिए आप ईयर ऑन ईयर आपको यहाँ पर घटता हुआ नज़र आएगा। मार्च 2020 में 60 में से ये देखिए 74.8% का प्लेस था, इन्होंने फिर यहाँ पर ऑन प्लेस किया 57.28% का, फिर 50.37% बचा, ये देखिए अब 41.65% का प्लेस शेयर अभी कंपनी का बचा हुआ है। ये आने वाले समय में दोस्तों इनका जैसे प्रॉफिट मुनाफा बढ़ेगा, ये आराम से प्रोमोटर भी अपना शेयर जो ऑन प्लेस करते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंपनी का टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितना है पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल रिजर्व है 32,540 करोड़ का ये रिजर्व एंड सरप्लस है और ये लगातार आपको रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ होता हुआ नज़र आया। लॉन्ग टर्म में कर्जा तो दिखेगा क्योंकि ये पावर बिजनेस में काम करता है, स्टील प्रोडक्शन का काम करता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कर्जा नज़र आता है 13,959 करोड़ का। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कर्जा देखिए 2,750 करोड़ का, धीमे धीमे अब कर्जा भी अपना ये घटाता हुआ नज़र आ रहा है, 5,000 3,000 अब बचा है 2,750 करोड़ का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे, कंपनी के पास कितना कैश मौजूद है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कैश एंड 5,687 करोड़ का कैश अभी कंपनी के पास मौजूद है। ट्रेड कंपनी की अगर हम बात करेंगे टोटल एसेट्स की, ये देखिए 69,131 करोड़ का एसेट अभी कंपनी के पास मौजूद है दोस्तों। बेहतरीन कंपनी है स्टील सेक्टर में, आप इस बिल्कुल इस कंपनी के ऊपर नज़र बना के सकते हैं दोस्तों। आने वाले समय में ये ज़बरदस्त और बम्पर रिटर्न आपको बना के दे सकता है। बस आज के लिए इतना था, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।